सो गाइस स्वागत है आप लोग की एक नई वीडियो में। सो गाइस आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को चार ऐसी गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों को 15,000 के नीचे मिल जाएगा। एंड ये चारों की चार स्मार्टफोन में से एक भी स्मार्टफोन अगर आप खरीदेंगे तो आकर मुझे कमेंट करेंगे ऐसे ही कि थैंक्स फॉर सजेस्टिंग दिस फोन भाई। तो भाई ये चारों की चार फोन एकदम धासु है, एकदम 15,000 के नीचे ही आप लोगों को मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो एक भी फोन मिस करेंगे तो हो सकता है आप अपना बेस्ट फोन मिस कर दो। तो गाइस चलिए आज के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। 2000 years later। सो गाइस इसमें जो पहला नंबर में जो है ये फोन कभी भी नीचे नहीं आ सकता, हर टाइम पहला नंबर ये डिजर्व करता है। इस फोन का नाम है पोको F1। तो गाइस ये फोन बहुत बढ़िया फोन है, बहुत बढ़िया, सच करो 15,000 के अंदर एक बहुत बढ़िया फोन है जिसमें आपको 64 GB का वेरिएंट जो आपको 14,000 में मिल जाएगा, 4000 mAh का बैटरी इसमें आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। पीछे जो रियर कैमरा है 12+5 MP, सामने 20 MP का फ्रंट कैमरा आपको देखने के लिए मिल सकता है। 256 GB तक इसमें एक्सपेंड कर सकते हो। और गाइस इसमें स्नैपड्रैगन की 845 प्रोसेसर मिल जाता है जो गेमिंग के लिए धासु है, धासु फोन। तो गाइस गेमिंग के लिए खरीदना चाहते हो तो मैं एक नंबर में ये फोन ऑब्वियसली सजेस्ट करूंगा आप लोगों को। तो गाइस दो नंबर में जो फोन मैं आप लोगों को सजेस्ट करने वाला हूँ क्या फोन है यार, बहुत बढ़िया था, Realme 6 इसका नाम है। तो 1500 से सिर्फ 1000 ज्यादा खर्च करेंगे तो आपको 6GB एंड 128GB वाला वेरियंट आपको देखने के लिए मिलता है। एंड इस फोन में आपको एक्सपेंड कर सकते हैं 256 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं गाइस। एंड इसमें आपको साइड जो फिंगरप्रिंट सेंसर है, साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने के लिए मिलता है। एंड गाइस इसमें आप लोग को 4300 mAh का पॉलीमर बैटरी मिलता है। एंड इसमें आप लोग को जो कैमरा है बहुत ज़्यादा बढ़िया कैमरा है, 64+8+2+2 पीछे है, सामने 16 MP का फ्रंट कैमरा आपको देखने के लिए मिलता है। एंड इसका जो प्रोसेसर है Helio G90, मैं कहूँगा गेमिंग बीस्ट, इस प्राइस में तो गेमिंग बीस्ट है। 30W का फ्लैश चार्जर मिलता है, 90Hz का स्मूथ डिस्प्ले आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, और क्या चाहिए, एकदम भर भर के 16,000 की फ़ोन में भर भर के सब फीचर्स इन लोगों ने दिया। तो खरीदना चाहते हो तो अब भी खरीद लो गाइस। और गाइस फ़ोन खरीदने के लिए भी पैसा जो चाहिए होता है, तो बेसिकली हो सकता है आपका घर पे बजट कुछ कम है, 3-4 हज़ार या 2-3 हज़ार कम पड़ रहे, तो गाइस खेलो स्नोई एप्लीकेशन पे गेम एंड पेटीएम कैश कमाओ। तो गाइस आ जाओ मेरे साथ और मैं दिखा देता हूँ इसमें गेम खेल के आप कैसे पेटीएम कैश कमाओगे। तो गाइस डिस्क्रिप्शन पे स्नोई एप्लीकेशन का लिंक है, जाकर डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के साथ साथ अब डाउनलोड करने के बाद आपको नेम एंड फोन नंबर से साइन अप होना है, मैंने जो रेफर कर डाला है उससे साइन अप हो जाना है। साइन अप होने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस मिलेगा, आप लोग को यहाँ पर गेम्स मिलेगा, गेम्स खेल के आप यहाँ पर से आप पेटीएम कैश कमा सकते हो गाइस। तो यहाँ पर से आप लोग को जो गाइस जो पेटीएम कैश आप कमोगे कोई KYC की जरूरत नहीं है, इंस्टेंट आपके पेटीएम में ले सकते हो। आप यहाँ पर से आप लोग को ऐड मनी करके, यहाँ पर से मनी को ऐड करके जो है जो भी मनी आप पेटीएम से ऐड करके यहाँ पर गेम्स को खेल सकते हो। तो गाइस यहाँ पर एक गेम है जो मैं आपको खेल के दिखा देता हूँ, गेम तो मैं प्ले नाउ पे खेलता हूँ। 10 रुपीज़ जीत के 20 जीत सकते हो, 25 लगा के आप 50 रुपीज़ तक जीत सकते हो। तो 10 लगा के मैं एक गेम से आप लोग को प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक गेम्स को प्ले कर दिया है गाइस। तो यहाँ पर से एक टाइम दे दिया, दिखा देता हूँ मैं को क्या होता है इसमें। तो फाइंडिंग योर ओपोनेंट, मुझे ओपोनेंट को खोजना पड़ रहा है। तो यहाँ पर से मेरे एक ओपोनेंट आ गया है, तो गाइस यहाँ पर से टैप करने बोल रहा है मुझे। ओ गाइस तो यहाँ पर से टैप करने बोल रहा है। तो गाइस मैं उतनी देर वीडियो को स्किप कर देता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो गाइस गेम बहुत ही आसान था बट मैं हार गया हूँ गेम पे, तो बेसिकली मेरा 10 रुपीज़ तो गया। बट आप लोग बहुत ही आसानी से यहाँ पर से खेल के जो प्ले नाउ के ऑप्शन दिख रहा है बहुत लगा के आप बहुत जीत सकते हो, तो बहुत आसान गेम है। तो यहाँ पर से मैं वॉलेट पे 100 रुपीज़ है, मैं यहाँ पर से आप लोग को विदड्रॉ करके दिखा देता हूँ गाइस। तो यहाँ पर से मैं डाल देता हूँ मेरा पेटीएम नंबर, ठीक है, मैं यहाँ पर पेटीएम नंबर डाल दिया, मैंने अपना अमाउंट डाल दिया। मैं पेटीएम नंबर का फिर से चेक कर लेता हूँ, ट्रांसफर के ऑप्शन पर क्लिक करके मैं ट्रांसफर कर लेता हूँ गाइस, अपने पेटीएम पर दिखा देता हूँ आप लोग को। सो गाइस मेरे ये बार जो है देख सकते हैं 100 रुपीज़ इंस्टेंट मेरे पेटीएम पर आ गया। बहुत आसान गेम था बट मैं ये गेम को हार चुका था, तो बेसिकली कोई बात नहीं, आप भी खेल के आप बहुत सारा जीत सकते हो मेरी तरह। तो आप भी ये देख सकते हैं मैंने जो पेटीएम कैश जो है कैशबैक रिसीव डायमंड वाले 100 रुपीज़ सिस्टम मेरे पेटीएम पे आ गया है। आप भी गेम खेलो, पेटीएम कैश अर्न करो, लॉकडाउन में घर पे बैठे सिर्फ गेम्स मत खेलो, थोड़ा पेटीएम कैश भी अर्न कर लो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर डाउनलोड कर लो गाइस। और गाइस 3 नंबर में जो फोन मैं सजेस्ट करूंगा वो है Vivo Z1 Pro। तो बेसिकली ये फोन जो है अभी प्राइस कम हो गया है, 14,000 में आप लोगों को मिल रहा है गाइस ये फोन। इसमें आपको 4GB एंड 64GB का वेरिएंट आप लोगों को देखने के लिए मिलता है गाइस। एंड गाइस इसमें जो है कैमरा बहुत ज़्यादा बढ़िया है, पीछे 16+8+2 MP का, सामने 32 MP का फ्रंट कैमरा आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। इसका जो प्रोसेसर है Qualcomm Snapdragon का 712 AIE 2.3 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिलता है। गेमिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है गाइस, गेमिंग के लिए है एंड कैमरे के लिए जो भी है बहुत बढ़िया है गाइस। एंड इसमें आपको फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलता है, ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने के लिए मिलता है, बैटरी जो है 5000 mAh की बैटरी आप लोगों को देखने को मिलता है, 6.53 इंच का
फुल एच डी प्लस डिस्प्ले इसमें देखने के लिए मिलता है। ये फोन भी बहुत ज्यादा बढ़िया है इस लिस्ट में। सो गाइस बात किया जाए चार नंबर में कोई फोन की, वो है Redmi की तरफ से Redmi Note 9 Pro। तो बेसिकली 15,000 के अंदर ये फोन आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। 4GB एंड 64GB इसमें जो है वेरिएंट आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। इसका जो एक्सपेंडेबल है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। इसमें आपको 512GB तक एक्सपेंड कर सकते, जो एक PC से कम नहीं है मुझे तो लगता है। तो बहुत बढ़िया है मतलब, और इसका जो एक्सपेंडेबल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। पीछे जो कैमरा है इसमें आपको 48+8+5+2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। चार कैमरे इसमें अवेलेबल है। सामने 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। 5020mAh का बैटरी है। 6.67 इंच का एक फुल FHD डिस्प्ले मिल जाता है आप लोगों को। एंड स्नैपड्रैगन का 720G प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। गेमिंग के लिए, कैमरा के लिए, एक्सपेंडेबल के लिए, स्टोरेज के लिए बहुत बढ़िया फ़ोन है ये। तो खरीदना चाहते हो तो जल्दी से खरीद लो गाइस। तो गाइस आई होप आज का ये फोन आप लोगों को मतलब सॉरी आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि ये जो चारों फोन के बारे में बताया एकदम मेरा पर्सनल स्टेटमेंट है कि आई थिंक ये चार फोन गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा है 15,000 के अंदर। और अगर आप और कोई फोन सजेस्ट करना चाहते हो मुझे तो कमेंट में बता सकते हो गाइस। एंड गाइस वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो फ़ोन खरीदना चाहते हैं मतलब 15,000 के अंदर अच्छा फ़ोन मतलब गेमिंग फ़ोन ढूंढ रहा है, तो उसके साथ वीडियो को शेयर कर देना क्या जाता है। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर देना, तो मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। तो मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।